नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। आचार संहिता के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा भाजपा नेता को लुभाने के लिए उनको बधाई संदेश दिया फेसबुक पर। संदेश को उन्होंने भाजपा के उस नेता के फोटो के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आचार संहिता प्रभावित है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों पर कई तरह की बंदिशें लगाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ये भूल जाते हैं कि वह शासकीय कर्मचारी हैं और उन्हें आचार संहिता में किस तरह से अपने आप को बचा के चलना है। कई बार भूल हो जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। जिले में अब तक 2 सरकारी कर्मचारियों पर शिकायत आ चुकी है, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जो मामला सामने आया हुआ है, फतेहगढ़ थाने में पदस्थ दीवान अजय तिवारी का, जिन्होंने चाचौड़ा के भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत को उनके फोटो लगा हुआ शुभकामनाएं दी। इस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से बात करना चाही तो उनसे बात नहीं हो पाई। समस्या परे है कि क्यों शासकीय कर्मचारी पार्टियों के पदाधिकारियों एवं नेताओं को रिझाने में लगे रहते हैं। देखने लायक होगा कि अजय तिवारी पर पुलिस महकमा क्या कार्रवाई करता है, या फिर खाना पूर्ति मात्र करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। शहर में बढ़ रहे स्मैक के नशे के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निकाली एक मौन रैली। इस रैली में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लिखा हुआ था। साथ में नशा छोड़ने के संदेश भी लिखे हुए थे। हनुमान चौराहे से होती हुई ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जो सदर बाजार बापू पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई। नशे की गिरफ्त में दिन ब दिन आती जा रही है और युवा पीढ़ी की इस नशे की बुरी लत में दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। हम शहर के सभी बुद्धिजीवी नागरिकों ने, समाज सेवियों ने, हमारे युवा साथियों ने यह संकल्प लिया है, ये पीड़ा उठाया है कि स्मैक की जो शहर में नशाखोरी हो रही है, किस तरीके से पर्दे के पीछे शहर में स्मैक सप्लाई किया जा रहा है और हमारे देश के भविष्य, युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है, वह बर्बाद होती जा रही है, नशे की चपेट में आती जा रही है। तो गुना शहर के नागरिक जागरूक ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारे वरिष्ठ जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वे सब इस मुहिम में हमारे साथ हैं। हम सब लोग आज स्मैक के विरोध में एक मौन रैली निकाल रहे हैं, जो हनुमान चौराहे से प्रारंभ होकर राष्ट्रपिता बापू जो बाजार में बापू पार्क है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और बापू के सामने हम सब लोग बापू से आह्वान करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी को सद्बुद्धि दे। साथ ही प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का यह गोरख धंधा चल रहा है, हम शासन और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस धंधे की जो नकेल है, जो लोग शहर की युवा पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं, जो इस युवा पीढ़ी के भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, उन पर शिकंजा कसे और ये फूल नशा हमारा इस गुना शहर इस नशे से मुक्त हो और स्वतंत्र और स्वच्छ रूप से हमारे आने वाले समय में आपकी क्या रूपरेखा रहेगी स्मैक को बिल्कुल नशा मुक्त करना? स्मैक के रूप में के विरोध के लिए हम लोगों ने दशहरे के दिन एक रावण बनाकर उसका हमने दहन किया स्मैक के नशे का। आज हम हमारे बाजार में तख्तियाँ लेकर एक मौन जुलूस निकाल कर लोगों को ये संदेश देंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ आएँ और शासन प्रशासन पर हम मिलकर इतना दबाव बनाएं, अनुशासन में रहकर, कि जो स्मैक का धंधा मांग करेंगे कि इस नशे को शहर में जो फैलाया जा रहा है, इनके पीछे कौन है, जो भी हो शासन उन पर नकेल कसे ताकि हमारे युवा पीढ़ी से बच सके। शहर में शुरू हुआ नेकी का दवा खाना। शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नेकी की दीवार पर नेकी का दवा खाना शुरू किया गया है। इस दवा खाने पर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जो निशुल्क अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही दवाओं की व्यवस्था गुना के केमिस्ट स्टोर संचालकों द्वारा की जाएगी। अरे
सेवा ये है कि वो ये घंटा अपने एलोपैथी को होम्योपैथी और उनको दवाइयाँ भी हम लोग यहाँ से वितरित करने का प्रयास करेंगे। अभी कम है दवाइयाँ, अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दवाइयाँ हमारे पास तो खुली आ जाएंगी, तो हम दवाइयाँ भी उनकी मिलती है। सर इसके अलावा और आज तो मतलब आपकी हो रहे योजना निकली दीवार को लेकर नहीं, अभी हम लोग सब लोग बैठ कर के बातचीत करेंगे कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी है और उसके बाद में उसको विस्तारित करने की कोशिश करेंगे। लाख दावे कर ले यातायात पुलिस कि उनके राज में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव साफ देखने को मिल जाता है। पुरानी गल्ला मंडी में जब ट्रैक्टर चालक बाहर निकलते हैं तो वह अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। तेल घानी पर यहां जाम कई घंटों तक लगा रहता है, जिसके बाद वहां पर लोगों के आपसी सामंजस्य से ही इसको खुलवाया जाता है। बार बार यहाँ पर जाम लगने की स्थिति में कोई यातायात कर्मी यहाँ पर खड़ा नहीं मिलता। गल्ला मंडी में चल रही रामलीला के मंचन से जुड़े सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया। रामलीला समिति द्वारा पुराना गल्ला मंडी में रामलीला का मंचन कर रहे सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया और साथ ही वहां भंडारे का आयोजन भी किया गया। प्रफुल्लित होकर सभी कलाकारों ने आगे भी अच्छे से अच्छे काम करने की बात कही। और बड़ी गंभीरता के साथ अपना अभिनय करते हैं। सब मंदिर प्रांगण में खड़ा होकर श्री राम जी को समर्पित एक सवैया बोलना चाहता हूं। जाकर आप जानक है जानक नेपाल देखो, सकल नेपाल जग पालन को पाल है, कोटक को कोटक करार को करार, अति मालाओं को माल महा कालाओं को काल है। चंदन पुरी पुरी बापू वो ठाकुर सरगर हमला है। हड्डी मिल निवासी नाबालिग छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। पिता के अनुसार उनकी बेटी ने दिन भर उनके साथ और उसकी मां के साथ घर का पूरा काम करवाया। वहीं शाम को वह नहाने गई तो उसके बाद अचानक चक्कर खाकर गिर गई, जिसके बाद उसे आनंद फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार बालिका ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मौत हुई है, लेकिन परिवार जन इसको मानने को तैयार नहीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है एवं मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दिन भर तो अच्छा भला काम किया उनने। हाँ उन्होंने कहा मट्टी मट्टी घर में पटकी दीपावली की व्यवस्था जमा रही थी बेचारी। हाँ। और अंदर नहाने गई ना, वो नहा के आई उधर से लौट के आई ना तो उसको एकदम चक्कर आया गिर गई और उल्टी हुई उसकी। उल्टी हुई जैसे मैंने टैक्सी में बुलवा के आके गया, साइकिल लेके टैक्सी लेके बाद उसको मैंने अस्पताल में वहाँ पर भर्ती की। तो कल कितने बजे घटना है जी? 4:30। तो डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर का ये कहना है कि कुछ खा लिया उसने डॉक्टर ये बोल रहे हैं। अब कैसे कहते हैं कुछ खा लिया, मेरे सामने काम कर रही है, दिन भर हो गए मैं खुद छुट्टी। आप थे मतलब घर पे थे? सब लोग घर पे थे? सब लोग घर पे थे, उसकी मम्मी भी घर पे उसके साथ काम कर रही थी, गेहूँ लुका रही थी। गेहूँ लुकाने के बाद फिर उसने घर में काम किया, मट्टी मट्टी डाली थी बाबा जी की उतर रही थी वो काम। अचानक चक्कर आने से आने गई फिर वो संजय टे गई। हड्डी मिल की पूजा, हमारी पूजा
पिता राजू अग्रवाल जिसकी 18 साल एज है, कल इसने घर पे किसी अज्ञात कारण कोई अज्ञात वस्तु खा ली थी। संबंध उसके परिजन इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था इलाज के लिए। इलाज के दौरान कल 7:15 संबंध इसकी डेथ हो गई, तो उसका पीएन चल रहा है। अब किस कारण से अज्ञात वस्तु खाई है, क्या खाई, संबंध कोई जानकारी नहीं है, इस संबंध में जाँच की जा रही है। परिजनों से का क्या नाम है? परिजनों का ये कह रहा है, परिजनों का कहना ये है कि हमें संबंध को जान के नहीं इसने क्या खाई और किस कारण से क्यों खाई। मंडी में सोयाबीन की बम्पर आवक। मंडी में त्योहारों की छुट्टियों के बाद आज सोयाबीन की बम्पर आवक देखने को मिली। मंडी में आज जहां देखो वहां सोयाबीन के ट्रैक्टर ट्राली ही नजर आ रहे थे। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद को प्रबल दावेदार मानने वाले नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने कांग्रेस में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अगर गुना विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिलता है तो उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी। साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी का मजबूत पक्ष भी सामने रखा। अब देखने लायक होगा कि क्या मालवीय की उम्मीद पर कांग्रेस पानी फेरती है या उन्हें टिकट देकर उनका मान रखती है। पार्टी का एक मैनिफेस्टो जो होगा उसके आधार तो हमारी प्राथमिकता है ही। अगर श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे पे भरोसा करते हैं और जनता अगर मुझे अपना चुनती है, अपना मानती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारे युवाओं के लिए खेल की जो गतिविधियां संचालित होती हैं उसके लिए स्टेडियम हमारे यहाँ गुना शहर में नहीं है, जिसके लिए श्रीमद महाराज साहब पूर्व के कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टेडियम निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ के युवाओं खिलाड़ियों के लिए रहेगी। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि क्षेत्रीय सांसद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दो बार केंद्र की सरकार से तत्कालीन यूपीए सरकार के समय ट्रामा केयर सेंटर यहाँ गुना में यूनिट चालू कराया, दो बार बिल्डिंग के लिए पैसा आया, बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार ट्रामा केयर सेंटर के लिए अपना स्टाफ नहीं दे पाई। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यह रहेगी कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए व्यवस्थित जो है स्वास्थ्य के लिए जो उपचार है वो बहुत ठीक समय पर उपलब्ध हो सके, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो जर्जर हालत हो गई है, जो व्यवस्था नहीं है, आज की स्थिति में मात्र 20-25 डॉक्टर हैं, जबकि हमारे यहाँ डॉक्टरों कम से कम 80-85 डॉक्टर हमारे यहाँ होना चाहिए, ये नहीं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही हमारे शहर के लिए जो 72 करोड़ की लागत से हमारे सांसद आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब जो 72 करोड़ की नल जल योजना लेके आए, उसको ठीक तरीके से उसका क्रियान्वयन कराना और हमारे क्षेत्रीय जनता के लिए साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही गुना में आप देखें बस स्टैंड हमारे यहाँ पे नहीं है, आरओ बस स्टैंड हमारा अलग बने, पमोरी क्षेत्र का एक स्टैंड अलग बने, आरोन का हमारा स्टैंड अलग बने और लिंक रोड हमारे गुना में नहीं है। आज अगर कैंट में कोई प्रोग्राम होता है तो आपके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए रोड नहीं है, ये हमारी प्रमुखता से हमारी जो दिमाग में है और हम जो करना चाहेंगे। हमारे क्षेत्रीय सांसद बहुत बड़े बड़े हमारे क्षेत्रीय सांसद ने जो कार्य किए हैं उनके साथ अगर जनता हमें अगर हम पे भरोसा करेगी, मुझ पर भरोसा करेगी, तो ये चीजें हम प्राथमिकता से लेंगे। दीपक जी मैं आपको बात बताऊं, सबसे प्रबल दावेदारी तो मेरी यह है कि मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री मुंशीला जी मालवीय कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे, कैलाशवासी महाराज माधोराव सिंधिया जी के प्रस्तावक रहे,
इंदिरा जी के साथ भी मेरे पिता ने कार्य किया, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूती है। दूसरी बात यह है कि जिस कौम को मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कास्ट से मैं हूँ, वाल्मीकि अनुसूचित जाति से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, अनुसूचित जाति में सभी वर्गों के लोगों को टिकट, सभी समाजों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, लेकिन मेरी मजबूती ये है कि मैं वाल्मीकि समाज का पूरे डिवीजन में 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, एक सिंगल वाल्मीकि समाज का मैं मांग रहा हूँ, इसलिए मेरी प्रबल मजबूती दावेदारी है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हाईकमान और हमारे क्षेत्रीय सांसद, हमारे नेता श्रीमद महाराज साहब मेरे पर भरोसा करेंगे, ये मेरी सबसे प्रबल दावेदारी है और ये मेरा प्रबल पक्ष है। संजय स्टेडियम में बनाई गई हार्ड विकेट, आज संजय स्टेडियम में हार्ड विकेट का उद्घाटन किया गया। ये हार्ड विकेट उन खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है जो खिलाड़ी लेदर बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। इस विकेट के बन जाने से खिलाड़ियों को काफी मदद मिलेगी। वर्तमान खेल रहे खिलाड़ी इन गुना के लिए बहुत अच्छी और शुभ चीज़ है। हमारे गुना से काफ़ी क्रिकेटर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छे स्पोर्ट्स के लिए, एक अच्छे खिलाड़ी को पैदा करने के लिए। आज मेरे ख्याल से जो टर्फ विकेट बनाया गया है, आने वाले समय के लिए हमारे जो उभरती टैलेंट है उसको अच्छा स्कोप मिलेगा और इसमें जो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी एंड निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारे बच्चे उठाएँ। क्रिकेट क्लब द्वारा जो यहाँ पर टर्फ विकेट तैयार की गई, ये बहुत ही बड़ी बात है। आजकल आमतौर पर देखा जाता है तो टेनिस बॉल क्रिकेट ज़्यादा चल रहा है, ये बड़ी बात है कि गुना जैसी जगह में लेदर बॉल चल रहा है और तीन तीन टर्फ विकेट बने हुए हैं। और मैं इसके लिए यूथ क्रिकेट क्लब के जो डायरेक्टर हैं सौरभ जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि इनके जो बच्चे हैं वो आगे जाके रणजी खेलें, बड़े लेवल पे खेलें। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।